घोड़ा एक बहुत शक्तिशाली जानवर है। यह 43 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। इसी कारण से सदियों से मनुष्य घोड़ा को सवारी की तरह या सामान को ढोने के लिए इस्तेमाल करता रहा है। पर अगर घोड़ा गाड़ी पर हम न्यूटन की गति का तीसरा नियम लगाएं तो एक विचित्र स्थिति उत्पन्न होती है। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार हर क्रिया के बराबर और विपरीत एक प्रतिक्रिया होती है। मतलब ये कि जब भी घोड़ा गाड़ी पर फोर्स लगाता है, उसके बराबर और विपरीत दिशा में गाड़ी घोड़ा पर फोर्स लगाती है। तो फिर ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देना चाहिए और घोड़ा चल ही नहीं पाना चाहिए। अगर हम दो महत्वपूर्ण बातों को अच्छी तरह से समझ ले तो इस समस्या का समाधान आसानी से हो जाता है। पहला ये कि ये बात सही है कि न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार हर क्रिया के बराबर और विपरीत एक प्रतिक्रिया होती है, अर्थात फोर्स हमेशा जोड़े में आता है। जब भी कोई एक फोर्स आएगा, उससे उल्टी दिशा में बराबर मैग्नीट्यूड वाला दूसरा फोर्स भी आएगा, पर ये क्रिया और प्रतिक्रिया हमेशा अलग अलग वस्तुओं पर लगेगी। उदाहरण के लिए, जब भी धरती गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी के कारण घोड़े को नीचे की तरफ खींचता है, घोड़ा भी बराबर फोर्स से धरती को ऊपर की तरफ खींचता है। अगर घोड़े पर लग रहे फोर्स को हम क्रिया माने तो इसकी प्रतिक्रिया घोड़े पर नहीं अपितु धरती पर लग रही है। इसी तरह से घोड़ा जब चलने की कोशिश करता है तो वो धरती को पीछे की तरफ धकेलता है। इस फोर्स की प्रतिक्रिया में धरती उसे आगे की तरफ धकेलती है और घोड़ा आगे बढ़ जाता है। धरती पर घोड़े के द्वारा फोर्स और घोड़े पर धरती के द्वारा फोर्स दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर और दिशा में विपरीत होंगे। यहां हम ये भी देख सकते हैं कि अगर धरती पर लग रहे फोर्स को हम क्रिया कहें तो उसकी प्रतिक्रिया धरती पर नहीं घोड़े पर लग रही है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी हम किसी वस्तु के गति का विश्लेषण करते हैं तो हमें केवल उस वस्तु पर लग रहे फोर्स को देखना होता है। वो वस्तु किसी और वस्तु पर कितना फोर्स लगा रहा है, इससे हमें कोई मतलब नहीं। जैसे अगर हम घोड़े के गति का विश्लेषण कर रहे हैं तो हमें केवल उस पर लग रहे फोर्स को देखना होगा। घोड़े को धरती गुरुत्वाकर्षण से नीचे की तरफ खींच रही है। धरती और घोड़े के बीच का नॉर्मल घोड़ा पर ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है। धरती का फ्रिक्शन घोड़े पर आगे की तरफ फोर्स लगा रहा है और घोड़े को गाड़ी पीछे की तरफ खींच रही है। इसके अलावा और भी फोर्स हैं, जैसे घोड़ा धरती को परस्पर गुरुत्वाकर्षण के कारण ऊपर खींच रहा है और साथ साथ अपने पैर से धरती को नीचे धकेल भी रहा है। जब भी घोड़ा चलना या दौड़ना चाहता है वो धरती को पीछे की तरफ धकेलता है। इसके अलावा घोड़ा गाड़ी को आगे की तरफ खींच रहा है। पर ये सब फोर्स घोड़े पर लग रहे फोर्स की प्रतिक्रियाएं हैं जो घोड़े पर नहीं लग रही। इसलिए घोड़े की गति के विश्लेषण में हम इन फोर्स को नहीं लेंगे। इसी तरह से अगर हम गाड़ी के गति का विश्लेषण करें तो हम केवल उस पर लग रहे फोर्स को देखेंगे, ना कि उन फोर्स को जो गाड़ी किसी और पर लगा रही है। गाड़ी पर धरती की गुरुत्वाकर्षण नीचे की तरफ और धरती का नॉर्मल ऊपर की तरफ है। घोड़ा गाड़ी को आगे खींच रहा है और धरती का फ्रिक्शन उसे पीछे खींच रहा है। इन सारे फोर्स की प्रतिक्रियाएं भी होंगी, पर चूंकि वो प्रतिक्रिया गाड़ी पर नहीं लग रही, हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे। अब हम अपनी समस्या पर आते हैं। हमने देखा कि क्रिया और प्रतिक्रिया हमेशा दो अलग अलग वस्तुओं पर लगती है और किसी भी वस्तु के गति के विश्लेषण में हम केवल उस वस्तु पर लगने वाले फोर्स को ही लेते हैं। अर्थात जब भी हम किसी भी वस्तु की फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो उसमें क्रिया और प्रतिक्रिया कभी भी एक साथ नहीं आएगी। इसलिए क्रिया और प्रतिक्रिया कभी एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पाएगी। अतः ये कहना कि घोड़े और गाड़ी के बीच की क्रिया प्रतिक्रिया एक दूसरे को कैंसिल कर देती है, इसलिए घोड़ा नहीं चल पाएगा, पूर्णतया गलत है। आइए अब हम देखें कि गाड़ी और घोड़ा दोनों किस फोर्स के कारण चल पाते हैं। गाड़ी पर लग रहा गुरुत्वाकर्षण और नॉर्मल दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। जब घोड़े के द्वारा लग रहा फोर्स पहिए पर लग रहे फ्रिक्शन से बड़ा हो जाता है, तब गाड़ी आगे की तरफ एक्सेलरेट करती है। जब फ्रिक्शन और घोड़ा का फोर्स दोनों बराबर हो जाता है तो गाड़ी कांस्टेंट स्पीड से चलती है। जब गाड़ी को रोकना होता है तो घोड़ा गाड़ी को पीछे की तरफ धक्का देता है। अगर हम घोड़ा को देखें तो उस पर का भी गुरुत्वाकर्षण और नॉर्मल एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है। घोड़ा आगे बढ़ने के लिए धरती को पीछे धकेलता है, जिसकी प्रतिक्रिया फ्रिक्शन के रूप में घोड़े पर आगे की तरफ लगती है। जब ये फोर्स गाड़ी के फोर्स से बड़ा हो जाता है तो घोड़ा आगे की तरफ एक्सेलरेट करता है।
जब घोड़ा कांस्टेंट स्पीड से दौड़ रहा होता है तब ये दोनों फोर्स बराबर होते हैं। स्पीड को कम करने या रुकने के लिए घोड़ा धरती को आगे धकेलता है, जिसके कारण उस पर लग रहे फ्रिक्शन की दिशा पलट जाती है। गाड़ी के द्वारा लग रहे फोर्स की भी दिशा पलटती है, किंतु फ्रिक्शन गाड़ी के फोर्स से बड़ा होता है और घोड़े का स्पीड कम हो जाता है।